हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आयुष शर्मा और मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ। मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम 2-3 साल से हो रही है लगभग, और मेरी सेकेंड और थर्ड स्टेज पे आ गई है बाल्डनेस। तो अभी मैं QST क्लिनिक आया हूँ अपने ट्रांसप्लांट के लिए। मैंने इस QST के बारे में पता लगाया था सोशल मीडिया एंड ऑल। मैंने QST इसलिए चूज़ करा है क्योंकि इसके एक तो चार्जेस अफोर्डेबल हैं दूसरे कंपेरिजन में, और यहाँ के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं जितना भी मैंने अभी तक सोशल मीडिया एंड ऑल पे देखा है, जितने भी रिव्यूज़ मैंने देखे हैं। आप गूगल पे पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी मैंने काफ़ी हेल्प ली है। अभी मैंने यहाँ के देखा तो इनकी सफाई, क्लीननेस बहुत है, और स्टाफ बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है। तो लेट्स सी अब आगे क्या होता है। लेट्स होप फॉर बेटर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज मेरा ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो चुका है, मेरे अप्रॉक्स 5000 ग्राफ्ट लगे हैं। तो ये ग्राफ्ट का नंबर काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इन्होंने थोड़ा सा मेरे बैक पार्ट से लिया है और थोड़ा सा मेरे बियर्ड पार्ट से लेना पड़ा है। तो ओवरऑल ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, इट वॉज वेरी लेस पेनफुल, बिल्कुल पेन वगैरह कुछ नहीं था। स्टाफ का और डॉक्टर्स का बिहेवियर बहुत अच्छा था, दे कीप ऑन आस्किंग यू कि आपको पेन वगैरह तो नहीं हो रहा है। बाकी हम आपको रिजल्ट जो है कुछ टाइम बाद देखने को दोबारा मिल जाएंगे इसमें, क्योंकि अभी टाइम लगेगा, अभी तो सिर्फ ग्राफ्ट लगे हैं। थैंक यू QST। Once again, welcome to QST Clinic, Uttarakhand. Today, we have a post-surgery update of our 25-year-old patient who underwent a hair transplant procedure. The patient presented with grade 6 diffuse pattern hair loss with approximately 30-40% of the hair remaining in the balding areas. The existing hair in those areas had been thinning and was unable to grow longer than 5 cm in length. To address this, we perform a hair transplant using 5000 grafts. In addition to scalp donor area, we harvested hair graft from the beard under the jawline area, but we considering the beard grafts approximately 1500 were harvested under the jawline area. So in total 5000 grafts were done on this patient. Thank you for joining us on this post-surgery update. Stay tuned for more updates on our patients' hair transplant journey. Thank you.